Hi everyone, my name is Dipali and today we are going to discuss some of the important questions जो कि आ सकते हैं पीजीटी साइंस एंड बायोलॉजी पीजीटी के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियोज कहाँ से डेवलप करते हैं डायरेक्टली, तो इसका एग्जाम्पल होगा न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मेच्योर एट सेम टाइम। अगर एंथर्स यानी मेल पार्ट और स्टिग्मा यानी फीमेल का जो पार्ट है अगर वो सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं तो हम उसे बोलते हैं होमोगैमी। होमो का मतलब ये होता है सेम और गैमी मतलब गैमेट। इन विच पार्ट इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड बाय लीव। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रायोफाइलम है उसके अंदर लीव से एक न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, तो ब्रायोफाइलम एंड टैलन को ऐसे दो एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। कौन सा सेल है जिससे वो एंटर करेगा, तो आपका एग्जाम्पल होगा सिनर्जिक सेल्स। राइट, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्लास 12 की वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंथ्रेसिस इज फिनोमिना विच रेफर्स टू, एंथ्रेसिस किससे रेफर करता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर्स से। ठीक है जी, तो इसका ये जो आंसर है ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड नहीं रहेगा, ये रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बड से, डेवलपमेंट ऑफ एंथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ से एंटर करता है, वन ऑफ द सिनर्जिक से या बाय पेनिट्रेटिंग द एग बिटवीन द सिनर्जिक और बाय नॉकिंग द एंटीबॉडी से। तो द राइट आंसर विल बी वन ऑफ द सिनर्जिक्स। मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, आपने देखा है कि जो कोकोनट के अंदर पानी होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस एम्ब्रियो स्टेज के अंदर कोकोनट को। द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, तो एल्यूरोन लेयर जो है वो सबसे ज्यादा रिच होती है प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। पोलन ग्रेन एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी या सर्दी में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कैलोस की सॉरी एक्जाइन की बात करी है, तो एक्जाइन होता है इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है जी, तो स्पोरोपोलेनिन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर एक सेल से डबल सेल यानी माइटोसिस हो जाता है, तो एन स्वाइप टू एन नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ऑव्यूल, तो एनाट्रोपस ऑव्यूल में माइक्रोपाइल की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय बुलबिल्स, तो वो हमारा अगेव में देखा जाता है, बुलबिल्स के अंदर अगेव अगेव के अंदर बुलबिल्स पाए जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स इन द टेट्राड, तो अगर हम टेट्राड की बात करें तो उसमें लीनियर फॉर्म के अंदर मेगा स्पोर पहले डेवलप होते हैं और उसके बाद में जो ये टेट्राड यानी चार सेल्स जो डेवलप होते हैं वो लीनियर फॉर्म में रहते हैं। इन एंजियोस्पर्म ऑल द फोर माइक्रोस्पोर्स ऑफ द टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर, और उस लेयर को बोलते हैं कैलोस। सो कैलोस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो करेक्ट आंसर विल बी कैमेलिडियस। राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फिलर्स। ब्रायोफाइलम किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ब्रायोफाइलम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल। ये लीफ की वजह से, लीफ जो होते हैं वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करने की कैपेसिटी यानी एबिलिटी रखते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इज रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। Inside the ovary, ovule develop from a special tissue called placenta. Placenta से ovary, ovule सारे जो है वो develop करते हैं। यहाँ आएगा albuminous seeds जो है वो किस चीज को reserve करके रखते हैं, तो याद रखिएगा endosperm को means reserve करके रखते हैं। Each microspore mother cell has 2n and it is also called as diploid. The dash direct the growth of pollen tube towards the egg apparatus by some chemical substances and they are called synergids. Synergids क्या होता है, ये गाइड करते हैं कि पोलन कहाँ जाए, वो एग के पास पहुंच जाए।
राइट जी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेम कटिंग जो है वो एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही हिस्सा है। मस्टर्ड और पोटैटोज जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो ओवरी होती है वो रहती है हमारी सुपीरियर ओवरी, ठीक है जी। स्पाइक विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो कौन से हैं, तो वो है कैटकिन, एक नाम याद रख लीजिएगा, कैलोट्रोपिस जिसको हम ददूरा भी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल द माइक्रोस्कोप ऑफ एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड ताकि वो पॉलिनियम बना सके, राइट जी। तो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑफ टीजीटी साइंस, एंड ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिए गए थे, जो कि लेसन 2 है क्लास 12 का। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।